नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है फतेहपुर, जहां पर मौजूद हैं कुछ किसान नेता हैं हमारे साथ। अभी उन्हीं से हम बातचीत करने वाले हैं। राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं और हेमेंद्र चौधरी जी, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि वो फतेहपुर गांव में वो किस लिए पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, राम राम। राम राम जी। और जी, क्या हाल है? सभी बस बढ़िया जी। कैसे, मतलब यहाँ इस गांव में कैसे पहुंचे? आज यहाँ चंदन चौहान जी का प्रोग्राम रखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके संगठन के काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई, हमारा चयन था, हम लोक दल आदमी है। अच्छा भाई, हमने वोट लोक दल को दिया और हमारे चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, प्रधानमंत्री थे भाई। एक बात सुनो, उन्होंने किसानों के लिए जो अपना बलिदान दिया तो हम तो उनके साथ हमेशा उनके साथ ही रहे हैं। लोक दल वालों की अजीत सिंह की रहे, अब जयंत हमारे, अब जयंत साहब के साथ हम भाई, हमारा जयंत अगर भाजपा में हो तो हम तो निशान दल पर वोट लगाएंगे। हम तो इधर आ रहे थे, इधर से तो है चंदन चौहान का बीजेपी से गठबंधन हुआ है जी, और आप सड़कों पर भी रहे बीजेपी के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल रहे, प्रदर्शन करते रहे, चुनाव में साथ खड़े भाई, साथ में खड़े। उसका एक कारण है, हमारा दो सीट मिली जयंत को। अब अगर हमारा ही एक भाई अगर ऊपर पहुंचेगा तो हमारी सुनोगा? अच्छा भाई, कुछ तो सुनोगा हमारी, हमारी बात जो रखेगा वो। उम्मीद है कि किसानों की आवाज उठाई जाएगी। बिल्कुल उठाई जाएगी भाई। आज तक चरण सिंह परिवार ने बात आज तक उठाते ही चले हैं किसानों की, और किसने उठाई है? तो आपका क्या नाम है? विकास कुमार धनकर। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ, जैसे किसान यूनियन से जुड़े हुए हो, किसान क्या बोल रहे हैं? कि किसान तो जब गठबंधन हुआ है तो सीट तो जरूर निकलेगी। अच्छा। हाँ, पहले भी एक बार हुआ था, उस समय भी जो 2009 में, हाँ उनके शायद पिताजी थे वे, संजय चौहान। हाँ, संजय चौहान, तो तब भी सीट वो भी जिता दिए थे। अच्छा, बाकी जीत तो पूरी है, होनी 100%। आपका क्या नाम है? सत्यवीर। कहाँ से आए हो आप? किसान इंटर कॉलेज पीली चौकी से अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हूँ। अच्छा। इस बार गठबंधन हुआ है तो बहुत अच्छे मतों से जो विजय होंगे, और जो कुछ कंफ्यूज रहे थे कि भाई किसे देना किसे वोट, इस बार तो जो बस 400 बार रहेंगे। चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है या यहाँ किसी की फाइट? इस बार तो एक तरफा, एक तरफा। हाँ, इस बार एक तरफा चुनाव है। आप क्या क्या नाम है जी? निपेंद्र गाठे। अच्छा, बिजनौर से। किसान संगठन से जुड़े हुए? राष्ट्रीय किसान यूनियन का प्रदेश प्रभारी हैं। तो चुनाव लड़ा रहे हो किसान से? नहीं, हम तो निकले हुए जा रहे थे यहाँ। निकले हुए जा रहे थे तो रुक गए, मतलब रुक गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल। तो यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं, किस वजह से आए थे आप? ये लोकसभा के प्रत्याशी आ रहे हैं, चंदन चौहान जो संयुक्त प्रत्याशी हैं बीजेपी और आरएलडी का। तो ये होली मिलन समारोह शायद यहाँ फतेहपुर, होली मिलन का आज शहीद है ना? शहीद, शहीद दिवस भी है, लेकिन किसान होली मिलन समारोह इन्होंने ये इस नाम दिया है। इस नाम से आदमी लोग कार्य कर रहे हैं। कितने लोग आपके यहाँ? तीन ट्राली आई हमारे, तीन ट्राली आई भाई, पूरा खड़े तुम लोग। आपका क्या नाम है? मैं ओमवीर सिंह, जिला संगठन मंत्री किसान यूनियन मापता। कहाँ से आए हो? माड़ी का रहने वाला हूँ, अमबीर सिंह पहलवान नाम है मेरा। किसान तो खिलाफ रहते हैं सरकार के, आप कैसे यहाँ चुनाव? नहीं, किसान बहुत खुश है। खुश भाई, बहुत खुश है किसान। बीजेपी से खुश है या ये लोक दल का जो प्रत्याशी, जो गठबंधन हुआ, इस वजह से खुश? नहीं, बीजेपी से भी खुश थे, अब तो और भी घने खुश है। जैन साहब आ गए। अच्छा। लोक दल आ गए इसमें। किसान जैसे ये गन्ना पेमेंट की मांग करते रहे हैं, और अभी गन्ना सेंटरों का भी सुना होगा, चार गांव के लोग परेशान रहे पूरे सीजन, तो वे खुशी थे मतलब? ये सब चल रहा है, पेमेंट दे रही है फैक्ट्री, एक आध फैक्ट्री है जो पेमेंट कुछ लेट कर रही है। हाँ, उस पर भी दबाव किसान यूनियन ने, सरकार ने बना रखा है। हाँ, पेमेंट आ रहा है, और गन्ना किसान का समय से जो निमट रहा है आपका, फैक्ट्री बहुत बढ़िया काम। क्या उम्मीद दिखाई दे रही है यहाँ बिजनौर में, बिजनौर लोकसभा में? जैसे चंदन चौहान जी प्रत्याशी हैं, और विजेंद्र सिंह बसपा ने उतारे हैं, सपा के भी कैंडिडेट क्लियर होने वाले हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? कुछ है आपस में इनमें किसी के साथ लड़ाई है एक तरफा चुनाव? ये तो चंदन चौहान ही कामयाब होंगे और भारी मतों से कामयाब होंगे, बहुत लंबी जीत होगी। आपका क्या नाम है? प्रेमपाल सिंह। आप कहाँ से? माड़ी पुट्ठा से।
कितने घंटे हो गए बैठे हुए यहाँ? आधा पौन घंटा हुआ अभी। कहीं अगर दावत में जाते हैं आप और एक आध घंटा खाना लेट हो जाता तो कैसा महसूस करते? गुस्सा आता है या गुस्सा ना आता ना, बैठ के बातचीत करने लगा। अच्छा, तो ऐसा ही यहाँ फील कर रहे हैं? दो घंटे बाद आ जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर से फ्री हो का है इनके लिए। अब ऐसा हम बीजेपी के आदमी थे, जब गठबंधन हो गया तो बीजेपी के आदमी थे, मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते थे आप पहले से? अब गठबंधन हो गया तो बस। तो आप बीजेपी के वजह से आए हो यहाँ? लोग गठबंधन की वजह से आए। सीट निकल रही है? पक्की निकल रही है। आपका क्या नाम है? विजय। क्या करते हैं आप? खेती। खेती में कुछ किसान बताओ, समस्या चली हुई है छुट्टा पशुओं की हुई, गन्ना पेमेंट की, तो इस तरह की है आप? दो रोज जाएंगे? संभावना नहीं है, संभावना। अच्छा, बिजनौर लोकसभा में क्या दिखाई दे रहे हैं आप? फिलहाल तो अभी नहीं कह सकते। अभी नहीं कह सकते। अच्छा, नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कहाँ से आए हो आप? छाजरी मोड़। क्यों आए हो, क्या कारण है यहाँ आने का? ये अपने सम्मेलन के लिए आए हैं, ये भाजपा। अच्छा, होली मिलन समारोह हो, किसान होली मिलन? हाँ हाँ, इसी वजह से आए हो? इसी वजह से आए हैं। तो और भी आए हैं गाँव से लोग? हाँ, बहुत कई आदमी आए हैं। कई आदमी? हाँ, दो ट्राली हैं। भैया मेरा नाम अनुज चौधरी है, झालू से आया हूँ। झालू से जी। वोट बने हुए कितना समय हो गया? वोट बने हो गया मुझे, मैंने दो बार वोट डाल चुका हूँ। दो बार जी। तो क्या लगता है आपको, मतलब ये सरकार जैसे बनती है हर पाँच साल बाद, युवाओं के लिए कुछ करती है? जैसे शुरू में वादे होते हैं वो पूरे हो पाते हैं नहीं? नहीं, वादे तो कोई सी भी सरकार पूरे ना करती खुलकर। अच्छा जी, वो है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई इसमें। अच्छा। बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम, जहाँ बीजेपी की कोई मीटिंग होती है वहीं चले जाएं। अच्छा जी। रोजगार की कोई ऐसी डिमांड नहीं है? बस रोजगार भी थोड़े बहुत तो दे रही, देखो सरकार जैसे भी चल जाए। अच्छा। जी, जो वैकेंसी निकला भाई उन्हें भी पूरे करें। बेरोजगारी मानते हैं कि बेरोजगार है? बेरोजगारी भी इतनी नहीं है। अच्छा, इतनी नहीं है? इतनी नहीं जितने रोल मचाते, जितनी रोल मचाते हैं लोग बाग, इतनी नहीं है। है वैसे मगर इतनी नहीं है। आपका क्या नाम है? अक्कू चौधरी। वोट बन गया? वोट नहीं बना जी। अच्छा, हाँ, किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए जनता को? ये देखो खुली बात है, ये हम तो बीजेपी के साथ। अच्छा। बीजेपी को वोट देते जी, बीजेपी के आदमी। मुद्दा कुछ भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, वोट बीजेपी को जाएगा जी। अच्छा। बस। तो यहाँ से जैसे ये गठबंधन हुआ है जी, तो इस चीज का आप लोगों को कुछ अफसोस नहीं हुआ कि बीजेपी का प्रत्याशी होना चाहिए था? इस चीज का कोई अफसोस नहीं है जी, अब तो गठबंधन है तो भूल ही जाएगा जी। जी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। थोड़ा तेज बोल लोगे? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह कहाँ से आए हो? झालू। झालू से। तो ये जैसे ये यहाँ चुनावी सभा हो रही है, ये पहली बार अटेंड कर रहे हो इस तरह की सभा या पहले भी की? कम से कम 50 से भी ज्यादा कर ली। 50 से भी ज्यादा कर ली। इसमें और 49 में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब? मतलब जो अभी तक 50 आपने अटेंड की उसमें, उनमें और इस वाली में क्या अंतर हो? बढ़ती जा जिसमें भी हम यहाँ बढ़ती जा। 7 बार वोट दे चुके हम। 7 बार वोट डाल चुके। अच्छा, 7 विधानसभा। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? भाजपा। भाजपा को शुरू से ही भाजपा को ही करते हैं? किसी को और को वोट नहीं दिया हमने। क्या मुद्दे होने चाहिए जनता के, किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए या केवल पार्टी को ही देख कर वोट करना चाहिए? मुद्दे भी देखने चाहिए, जैसे कि डबरों कहा, जानवर भी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सरकार जो छुट्टा पशु है वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नुकसान वही पहुंचा रहे हैं, और कोई समस्या किसान के लिए? बेरोजगारी या सब हो गया। बेरोजगारी हर आदमी का मकान बन गया, राशन आ रहा, और बेरोजगारी तो खत्म ही हो गई। अच्छा, तो बिजनौर सीट पर क्या दिखाई दे रहा है? बिजनौर सीट निकला जी, काफ़ी वोट हो जीतते जी, काफ़ी वोट चैलेंज चौहान देखते हैं। अच्छा ठीक है सर। हमारे यहाँ से भी 4-5 ट्राली आएंगे घर को। अच्छा, से 4-5 ट्राली आएंगे लोग अपने आप ही लाएं या कोई नेता? नहीं, वो तो सब मिल जुल कर सारे मोहल्ले पास ही है। चलो भाई। अच्छा अच्छा ठीक है जी, थैंक यू।